जाति वालों को नौकरी नहीं मिलती, कौन जिम्मेदार है? अकेली सरकारें जिम्मेदार नहीं है। अब अफगानिस्तान में चुनाव में कहा गया बिजली का एक नया पैसा बढ़ेगा नहीं, शहीद के परिवारों को नौकरियां मिलेंगी, पढ़े लिखे बेरोजगार मजदूर को रोजगार का भत्ता मिलेगा, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, बिजली का पैसा नहीं बढ़ेगा, सड़कों का काम होगा और किसान का पूरा लोन माफ किया जाएगा। है कोई व्यक्ति आप में से आकर कहने वाला कि बिजली का पैसा कम हुआ? है कोई व्यक्ति जो है कहे कि बेरोजगारों को रोजगार मिला? है कोई किसान का बेटा जो ये कहे कि बेरोजगार का भत्ता मिल गया, नौकरी मिल गई, बिजली का पैसा नहीं मिला और लोन माफ हुआ? है कोई कहने वाला? तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को, ऐतिहासिक महापुरुष को जिसका नाम अटल बिहारी बीच में किया, भारतीय जनता पार्टी के गौरव राष्ट्र के महापुरुष उस अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इन वीरांगनाओं का सम्मान किया। 43 वीरांगनाएं हमारे बीच में है, ये मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। आज आप कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया चेक उस फील्ड मार्शल को मिला, आप जानते हैं कौन था फील्ड मार्शल? मानिक शाह वो व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, लगातार कांग्रेस की सरकार ने वर्षों तक उस व्यक्ति का पेंशन का पैसा नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक एक सैनिक को बुलाकर उसकी तनख्वाह को पेंशन को 4 गुनी तक बढ़ाई है, शहीदों का सम्मान किया है, होली दिवाली में परिवार की तरह उनके साथ रहता है और हम लोगों को एक जगह इकट्ठे होकर ये संगम करने की प्रेरणा वो व्यक्ति देता है। आप लोगों को धन्यवाद इस बात का तो है कि देश पर मर मिटने वालों का सम्मान आप करते हैं, पर आप लोग उस दिन भूल जाते हैं छोटे छोटे वादों में। मैंने बहुत से लोगों से पूछा हमसे क्या भूल हुई, बोला भाई पेडू सड़क बनवानी तो बड़े बनवा ली, अब तो लोन करो माफ कर लो, अब तो कांग्रेस ने जमा करा लिया के माफ, 500 बिट जाए 500 बिल में जमा करा जाओ बिजली का रुपया, हाँ तड़के के जो बिल जमा नहीं करो कनेक्शन कटाता फिरो, 5-5 तार डालोगे जाए VCR भरेगो तार पे डालेंगे जगह मंदिर में अपनी जमीन पर कब्जा करेगा तारी खातर तार को नहीं। आम लोगों से बहुत तो बड़ी गलती तो हुई है, पर आज सुमन जी ने मेरी प्रेरणा को जागृत कर दिया कि मैं सुस्त हूं, तो बहन सुमन जी सुस्त नहीं हूं, शेर शिकार से पहले सुस्त हुआ करता है वो सुस्ती है, अब शिकार की तैयारी है, चाहे जो कुछ हो जाए किसान का है सम्मान होने नहीं देंगे। शहीदों का मान सम्मान जिस प्रकार है, किसान का सम्मान अगर जिंदा है तो शहीदों का सम्मान जिंदा है। मैं शहीदों की प्रेरणा से लेकर उन्हीं के सामने इस बात की शपथ लेता हूं, आज के बाद आज से पहले भी नहीं होने दिया, किसान का यह सम्मान उदय पूर्वक की धरा बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे हमें अपना खून बहाना पड़े। इसका आज का परिणाम देख लिया गया, कल शाम तक तय थी पोस्टाणा में पुलिस की छावनी बनेगी, प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, आपकी संख्या आपकी मजबूती आपकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है, राजस्थान की नपुंसक सरकार आपके सामने हार गई। अपने बिजली का बिल कैसे कम करना, हमसे लोन माफ करने का वादा किया था वो पूरा कैसे करना, बेरोजगारी भत्ता कैसे प्राप्त करना, ये बढ़े हुए बिजली के बिल कैसे रोकने, इन लोगों को इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि कोशिश तो इस बात की है कि उस समय 2 साल से पहले वाला 1 साल में आ जाए, पर उस समय ने अगर 2 साल लगा भी दिए तो आपके सामने आज उन शहीदों की शपथ लेकर यहां से खड़ा होना है। उदयपुर वाटी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, आने वाले समय में जो बिजली का बिल कम करेगा, जो नौकरियां देगा, जो मुन्नी माफी की जमीनों को कब्जा नहीं करेगा, जो 300 रुपए तोले के पैसे पे गुंडागर्दी का टैक्स वसूल नहीं करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, हाँ या ना आपको बोल के जवाब देना है। कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे, तो लोग ये समझेंगे कि आपने बात को समझी ही नहीं, तो दोनों हाथ उठाकर इस बात की गवाही दो के मानने वाले समय अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, और क्यों आता कि जय क्यों आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा। प्रेम सिंह जी को कोई उड़ाना नहीं है, भगवान सिंह जी नियम भी बना था, इनके कार्यालय में हमारी देखरेख भी बना था, तो जनता को इस बात की बचीन हजम नहीं हुई और वो नियम बन के मूर्त रूप लेता, उससे पहले पहले सरकार चली गई और सरकार जो आई उसने ऐसी झूठ बोली। अरे आप लोग सोचो
जो व्यक्ति इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है कि आलू डालू में सोना पैदा होगा, उन पे तुम भरोसा कर सकते हो? सोचो तो सही बेटी का बापो, क्या कहो पर चाल रहे आप? अब पढ़ बोलिया साहब रोजगार को तुमा हुआ जा बोल लोन 50,000 तो बोला। अरे बोले खाली वसूल जा तो 50,000 ही माफ करे तो कता करा जी बाबा 2,00,000 पूरा ही करावा। करा लिया गया ऐसी स्थिति रही हमारी। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, ये राष्ट्र के सम्मान की बात है, ये शहीदों के सम्मान की बात है, ये किसान के सम्मान की बात है, हर एक व्यक्ति जो सुनना चाहता है उस बात को कहने की बात है। ये सारे हमारे लोग हैं, ये सारे किसान समुदाय के लोग हैं, ये सब राष्ट्र भक्त हैं प्रेम सिंह जी। या कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम किसान के मान सम्मान के लिए अपनी जान हथेली पे रखते हैं। कौन सी पार्टी की बात है? अगर कांग्रेस ने लोन माफ किया होता तो मैं आपके सामने आज उनको भी धन्यवाद देता, अन्य बिजली का पैसा नहीं मिला होता उनको भी धन्यवाद देता, अन्य बेरोजगारों को भत्ता दिया उनको भी अभिनंदन करता। किसान का सम्मान चाहिए, किसान के दर्द पर पीड़ा पर मरहम लगाने वाला चाहिए, इन शहीदों का सम्मान करने वाला चाहिए। इन मार भारती का ऐसा सबूत चाहिए जो मार भारती के लिए मरे और मिटे, और आपका सम्मान करने वाला व्यक्ति हम तो उनके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। इन चीजों की परवाह हम नहीं करते। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पर इतना जरूर कहूंगा, और विशेषकर नौजवान साथियों से और मेरी नौजवान बेटियों से, कि कांटों में रहकर गुलाबों की तरह महकना सीखो, कांटों में रहकर गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर गुलाबों की तरह खिलना सीखो। परिस्थितियों से जो घबरा जाए वो लोग उस हो नहीं सकता, रात में रहकर अंगारों की तरह देखना सीखो। पांचों शहीदों के परिवारों को फिर नमन करता हुआ और शहीद प्रतिमाओं को नमन करता हुआ, इस धरती को बार बार प्रणाम करता हुआ, इस दुख के साथ कि मैं यहां पैदा की नहीं हुआ, इस मिट्टी में पैदा होने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करता हुआ, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि समय वाकई बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत से काम हमें करने बाकी हैं। मुझे एक छोटी सी चिट्ठी प्राप्त हुई है, ग्राम पंचायत पोषाला के शहीद स्मारक में इंटरलॉक वो पानी की टंकी में पाइपलाइन लगाने के वास्ते। हालांकि प्रधान ऊर्जा के नाम से चिट्ठी है, पर चूंकि प्रधान किसान की बेटी और आप सबकी बनाई हुई है, इसलिए काम तो यहाँ एमपी साहब बैठे थे, इनका था, इनके रहते प्रधान कोई बात कहे कोई अच्छी नहीं लगती, पर मैं चूंकि इस पवित्र धरा पर खड़ा हूँ और मुझसे आपने आज तक जो भी बात कही वो मैंने कहा तक अभी खाली छोड़ी नहीं 5 साल में। यही तो कारण है कि उदयपुर का ऐतिहासिक विकास हुआ, जिसने जो पर्ची की उसी को पूरा करने का काम किया। मैं काम तो मारो ये के विकास करने का काम में पूर्ण करो, फिर भी एक बार गलती हो चुक रहा और जो चीज मैंने लिखी थी बात पूरी करवा की घोषणा करा। बार बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद राम राम सर। हम नहीं आने वाले तेरी औकात नहीं, हमारे जैसे लोगों को तू बुलाए तू चल कर आएगा वरना तो लोग खड़ा कर देंगे, हम तो पग में है भाई साहब। इस दिन के पास एक बार गए थे तो कोरोना में बोला दूर रहिए, मैंने कहा दूर तो तू हो जाएगा। आज स्टेल का फिरा घूमता बेचारा, जब तक जमीनों मंदिर बाप की जमीनों लोगों के कहने से खुर्द बुद करी तब तक तो ठीक था, जब ये मना कर दिया तो दूध मार के निकाल दिया। ये तो यहाँ की व्यवस्था है प्रशासनिक, ऐसे लोगों से परमिशन किसान के बेटे अपने पूर्वजों की मूर्तियां लगाने के लिए ले, इससे बुरी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। और आपसे निवेदन करूं, किसी से परमिशन लेने दी गए, किसी के हाथ जोड़ने नहीं गए, ये जनता इस बात की गवाह है। कल शाम को ही कहा था, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके गणपान के सरपंच महोदय को, जिन्होंने कहा किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, हमारे गांव में ऐतिहासिक काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई जी आपको, आपने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार उसमें किया। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जनता जब अंगड़ाई लेती है तो प्रशासन वर्शासन कहीं के कहीं चले जाते हैं। ये वही प्रशासन है जो पड़ोस के गाँव के बेटे महावीर झाझड़िया की डेड बॉडी को कह रहे थे ये तो कोरोना से मरा है, ये जयपुर से पार नहीं जा सकता, ये आपका किसान का बेटा अकेले मात्र पूरे राजस्थान की पुलिस से लेकर यहाँ लाया, उसका दाह संस्कार भी किया, पोस्टमार्टम किया, आपके सामने सारा फैसला हुआ। हम तो उन लोगों में हैं। और मैं भूल नहीं जाऊं उसके बहन सुमन जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि शेर जब कोई शिकार करता है तो पहले सुस्त होता ही है। मेरी सुस्ती का मतलब समझ लो कि शेर ने कोई ना कोई शिकार करनी है। हम तो चाहे इस मिट्टी के लिए बलिदान हो जाए, हमारे बुजुर्गों का इतिहास रहा है। उदयपुर वाड़ी में जब जब किसानों ने
तो उनको अपने लहू के यहां बहाना पड़ा है। ये बंदा किसान का बेटा तो अपना पूरा लहू के बहाने के लिए तैयार है, पूरी पार्टी में अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीनों पर लगातार कच्चे किए जा रहे,